से आप सभी लोगों को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह मानसिक तनाव और ह्रस्व स्रोत दृष्टि, इसका क्या संबंध है, अपने आचार्यों ने इसको क्यों महत्व दिया है, वह जानने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग ज्यादातर रक्त व स्रोत, लेकिन ना ह्रस्व स्रोत इसका भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और हम लोग अगर देखते हैं ह्रस्व स्रोत, आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है, उसको उसके हिसाब से ह्रस्व स्रोत को समझना बहुत जरूरी है। तो ह्रस्व स्रोत के बारे में ऐसा बताया है, चरक विमान स्थान 5वां अध्याय जो है स्त्रोतो विमानीय, उसमें 8वां नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा बहुत बढ़िया से बताया है कि ह्रस्वानाम स्रोतसाम हृदय मूलम दश्च धमन्या, मतलब ह्रस्व स्रोत के मूल स्थान हृदय को बताया है और 10 धमनियों को बताया है। और दूसरा इसी को रिलेटेड रक्त व स्रोत का मूल स्थान क्या बताया है, शोणितवाहनाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा च, मतलब यकृत और प्लीहा लीवर और स्प्लीन को रक्त व स्रोत का मूल स्थान बताया, और ह्रस्व स्रोत का मूल स्थान क्या बताया, तो हृदय और 10 धमनियां बताई है। तो इसीलिए चरक विमान स्थान में जब हम लोग सभी धातुओं को देखते हैं तो ह्रस्व स्रोत, रक्त व स्रोत, मांस व स्रोत, मेदो व स्रोत, अस्थि व स्रोत, मज्जा व स्रोत, शुक्र व स्रोत, हर स्रोत का कुछ ना कुछ हमारे शरीर में फंक्शन है और अपनी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर ह्रस्व स्रोत जब हम लोग देखते हैं तो उसके बारे में हम लोग और देखते हैं, तो उसमें ऐसे बताया कि आहार रस कैसे पचता है और रस धातु की अग्नि जो है, धातु अग्नि उसकी क्रिया होती है तो फिर वह रस धातु को परिपोषण करती है। और रस धातु का क्या काम है, तो प्रीणन कार्य करना, सब जगह नरिशमेंट करना, प्रीणन कार्य बताया है। तो आहार रस से रस धातु कैसे बनता है, इस पर भाव प्रकाश निघंटू जो है उसपे पूर्व खंड में जो बताया है 173 नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसे बताया कि आहार रस्य रस सार सारो हीनो मल द्रव शिराभिस्त जलम नीतम बस्ति मूत्रम आपनियात शेषम किट्टस्य तत्पुरुषम निगद्यते समान वायुना नियंतन तिष्ठति मलाशय। इसका मतलब यह है कि जो प्राण वायु है वह प्राण वायु जो रहता है उसका कार्य तो हो ही रहे, लेकिन समान वायु जो है वह अग्नि की क्रिया करता है। आहार रस्य रस सारा सारो हीनो मल द्रव, मतलब जब आहार पचन होता है समान वायु की वजह से, पाचक पित्त से, तो आहार रस पहले बनता है और उसके बाद में सार्किट विभाजन होता है, स्थूल पचन होता है, उसके बाद में सूक्ष्म पचन होता है। स्थूल पचन होता है तो फिर क्या होता है कि शिराभिस्त जलम नीतम बस्ति मूत्रम आपनियात, जो लिक्विड फॉर्म में जो मल निकलता है वह मूत्र बनता है। ये सब कहाँ बनता है, तो पक्वाशय में बनता है। शेषम किट्टस्य यत्तस्य, जो लिक्विड भाग है वह मूत्र बनेगा और बाकी जो सॉलिड भाग है वह क्या बनेगा, तो पुरुष बन जाएगा। और जो सार भाग है, ये तो किट भाग मैंने बता दिया, सार भाग है वह क्या करता है, ये पूरा शरीर में, शरीर से निकल के और फिर बॉडी एब्जॉर्ब करती है, पूरा शरीर में व्यान वायु जो है वह सर्कुलेट करता है और सबसे पहले वह हृदय में जाता है। और यहीं से यह घटना शुरू होती है कि आहार रस से रस धातु का पोषण होता है। रस धातु स्थायी धातु है और आहार रस उसको पोषण करता है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं तो हमें सुश्रुत संहिता में बताया कि स्वस्थ मनुष्य क्या होता है। स्वस्थ मनुष्य के लक्षण बताया कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, मतलब सारे दोष सम अवस्था में रहे, वातपित्त कफ समधातु मलह क्रिया। नॉर्मल फिजियोलॉजी यही बताता है कि सभी धातुओं के क्रियाएं जो प्रीणम जीवनम तर ये जो बताया है वह क्रिया सब प्राकृत अवस्था में होनी चाहिए, मल क्रिया प्राकृत अवस्था में होने चाहिए। और प्रसन्नात्मेन्द्र मना, अब ये रस धातु है वह प्रीणन कार्य करता है, तो मन को भी करता है, इंद्रियों को भी करता है, अपने आंखें जो है, अपने नेत्र है, श्रोत्र है, जिह्वा है, इन सब का प्रीणन कार्य कौन करता है, तो रस धातु करता है। अगर इनमें प्रीणन अच्छे से मिलेगा, आप लोगों को अगर खाना अच्छे से मिलेगा तो आप लोग खुश रहेंगे, खाना नहीं मिलेगा तो आप लोग म्लान हो जाएंगे, थक जाएंगे बहुत ज्यादा, खाना खाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से कोई भी प्राणी है, अगर डॉग है, कैट है, उनको भी खाना अच्छे से मिलेगा तो वो खुश रहते हैं, खाना नहीं मिलेगा तो वो तकलीफ में हो जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रीणन कार्य जो होता है वह रस धातु का कर होता है, और इसी से इंद्रियों को प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, मन का भी पोषण कौन करता है, तो रस धातु ही करता है, प्रीणन कार्य रस धातु ही करता है। तो प्रसन्नता रहना यह आत्मा इंद्रिय मन का, इससे स्वस्थ का अनुभव होता है। अब मन का पोषण तो हो गया, लेकिन मन ही अगर बहुत ज्यादा चिंता में है
चिंता मतलब भविष्य, कभी भी मन जो है वो या तो भूत का सोचता है, पास्ट का सोचता है, या फ्यूचर का सोचता है, और कोई चीज उसको खाए जा रही है, और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि कोई ना कोई बात से बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आजकल ऐसा लाइफ हो गया है, कंपटीशन का दुनिया है, तो पैसा ज्यादा चाहिए, महंगाई भी बढ़ रही है, जो आजकल का वातावरण ऐसा है कि आप कहीं जमीन लेने जाएंगे, फ्लैट लेने जाएंगे, तो आसमान छूती कीमतें हैं, और सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, तो हमें सर्वाइव करना है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी हो जाते हैं कि हमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जब किसी के पास घर नहीं होता है तो मन में ही होता है कि हमारे पास घर हो जाए, घर हो जाता है तो होता है कि चलो थोड़ा हमारे ये कार हो जाए, मोटरसाइकिल हो जाए, कार हो जाए, कार हो जाता है तो, क्योंकि इच्छाएं बढ़ती रहती है, कार हो जाए तो उसके बाद में ये हो जाए, वो हो जाए, लोन निकाल लो, ये हो जाओ, किसी ना किसी तरह से स्ट्रेस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और इसके वजह से क्या होता है कि अपना जो रस धातु है वह विकृत होता है। इसी को क्या बताया है कि चरक विमान स्थान में रस व स्रोतस की दुष्टि का कारण क्या बताया है? तो बताया है कि गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशनताम, गुरु पदार्थ का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करना, जो अग्नि को ये करे, मतलब अग्नि को विकृत करे, अग्नि को मंद करे, ऐसा गुरु पदार्थ खाना, शीत पदार्थ खाना, जैसे फ्रिज का कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना, ठंडे पदार्थ बहुत ज्यादा खाना, चिल्ड पानी पीना, गुरु शीतम अति स्निग्धम, तेल वाले चीज बहुत ज्यादा खाना, डालडा में बनाए हुए, तेल में बनाए हुए, बहुत ज्यादा ऐसे मिष्ठान खाना, बहुत ज्यादा शादी ब्याह में खाना जिसमें तेल बहुत ज्यादा है, यह रसवस स्रोत, क्योंकि रस जो है बनेगा वो आहार रस जो रहेगा वो कच्चा ही रहेगा, वो पकेगा नहीं, उसको पकने में बहुत टाइम लगता है, मतलब जठरग्नि की क्रिया होके उसको अच्छे से बनने में बहुत टाइम लगता है, तो यह दूषित अगर आहार रस रहेगा तो वह रस धातु को भी दूषित करेगा, जैसे कि गंदा नली का पानी है वह जाके क्या करेगा कि नदी को गंदा करता है, इसी तरह से अति स्निग्ध पदार्थ खाया और उसका पाक नहीं हुआ, पचा नहीं है, वह जाके फिर वो आहार रस जो है वो विकृत रहेगा और वह जाके रस धातु को दुष्ट करेगा, इसलिए गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समशनताम, समशन करना, पथ्य और अपथ्य कर आहार सब कुछ खा लेना, उसी तरह से रस वाहिनी दुष्यंती चिंत्याताति चिंतनाम, बहुत ज्यादा चिंता से और ज्यादा चिंतन करना, मतलब एक ही चीज को बार बार चिंता चिंता चिंता, यहाँ चिंतन नहीं है, चिंता शब्द है, जितना स्ट्रेस रहता है, मेंटल फैक्टर जितना बढ़ेगा उतना रस व स्रोतस की दुष्टि होगी, और इसीलिए ना रस व स्रोतस में ही बोला है, और क्योंकि आहार रस खराब बनेगा, ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, आहार रस खराब बनेगा तो फिर उसका दुष्परिणाम रस व स्रोतस की दुष्टि में होगा, और इसका क्लिनिकल क्या एप्लीकेशन है कि यायु पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, मज्जा धरा कला जो है वही हमारे ये करता है मस्तिष्क वगैरह को नरिशमेंट करता है, अगर मज्जा धरा कला दूषित हो रहा है बहुत ज्यादा चिंता करने से, क्रोध करने से, ईर्ष्या द्वेष मद मात्सर्य इन सब से कर रहा है, तो उसका इफेक्ट होता है ग्रहणी कला दुष्टि होती है, और ग्रहणी में ही आहार पचन होता है, ग्रहणी में ही अगर खाना नहीं पचेगा, आहार रस नहीं बनेगा, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि रसव स्त्रोतस का जो सब दुष्टि हो जाएगा, रस धातु दुष्ट हो जाएगा, और इसके आगे फिर क्या घटना होगी कि यह घटनाक्रम होगा कि ज्वर व्याधि आम उत्पत्ति होगा, आम उत्पत्ति होगा तो ज्वर हो जाएगा, ज्वर होने के बाद में आमवत हो जाएगा, वो जितना परसेंटेज में अग्नि मंद रहेगा उतना परसेंटेज में दोष दुष्य समूर्छना होकर व्याधि होगा, लेकिन अगर ये उतना नहीं हुआ है तो क्या होता है रसव स्त्रोतस की दुष्टि की वजह से, तो ऐसा बताते हैं कि मतलब रसव स्त्रोतस केवल दुष्ट है, ज्वर तक नहीं गया है वो, रसव स्त्रोतस दुष्ट है, ज्वर में तो है कि रसव स्त्रोतस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, श्वेतव स्त्रोतस ब्लॉक हो जाता है आम के अवस्था, आम की वजह से रसव अन्नव और श्वेतव में बहुत ज्यादा दुष्टि होती है, ब्लॉकेज हो जाता है, उसके पहले की कंडीशन में रसव स्त्रोतस की जब दुष्टि होती है तो क्या होता है, तो चरक सूत्र स्थान 28 में बताया है, रस प्रदोषज विकार बताए हैं, ये कंटिन्यूटी में हो रहा है, पेशेंट स्ट्रेस में, भूख लग रही है, खाना खा रहा है लेकिन वो पच नहीं रहा, और रसव स्त्रोतस कंटिन्यू खराब हो रहा है, जैसे कि गंगा नदी में कंटिन्यूटी में नाले का पानी छोड़ा जा रहा है या केमिकल फैक्ट्री का पानी छोड़ा जा रहा है, कानपुर में पहले चमड़े का बहुत फैक्ट्री होता था, तो चमड़े शूज वगैरह का, तो शूज का जो भी धो के धुलाई वुलाई होके सब गंगा नदी में छोड़ देते थे कानपुर सिटी का, तो ये कंटिन्यूटी में हो रहा है, इतना नहीं हो रहा है कि पूरा ब्लॉक ही कर दे, तब क्या होता है, तो बताए अश्रद्धा च अरुचि च अस्यवरस्यम अरसज्ञता, मतलब खाना खाने के प्रति अश्रद्धा होती है, खाना देख के ही ऐसा लगता है बस बस अभी नहीं खाना है,
फिर अरुचि होता है, मतलब खाना खाने में टेस्ट नहीं आता है, यह ह्रस्व स्रोतस की दृष्टि में होता है। फिर आस्य वरस्य मतलब मुंह का विरसता होना, टेस्ट जो है वो विरस आना, या तो कोई भी चीज खा रहे हैं तो कड़वा लगेगा, कटु लगेगा, लवण रसात्मक, कटु कास्यता, लवण आस्यता, तिक्ता आस्यता, इस तरह का टेस्ट हो जाता है। अरुचि और आस्य वरस्य इसमें डिफरेंस है। अरुचि मतलब कोई भी चीज में रुचि ही नहीं रहती है, आप समोसा दीजिए, जलेबी दीजिए, रुचि टेस्ट ही नहीं आता है। और आस्य वरस्य का मतलब है कि खाने का मतलब टेस्ट आएगा लेकिन वह अलग तरह से आएगा, विकृत आएगा, क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है या दुष्टि है, ह्रस्व स्रोतस की दुष्टि है, इसके वजह से पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो तिक्त आस्यता रहेगा। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो मधुर आस्यता होगा, अगर अम्लता बहुत ज्यादा बड़ी है तो फिर उसके वजह से लवण अम्लास्यता मतलब खट्टापना बहुत ज्यादा आएगा जीभ में, या फिर लवणास्यता, ऐसा बताया है। तो इसीलिए क्या होता है कि खाने का टेस्ट तो आ रहा है लेकिन वह अंदर ही इतना दुष्टि है जीभ में, बोधक कफ पे इतना उसका प्रभाव है कि वह उस तरह का टेस्ट का हमें संज्ञान होने लगता है। तो इसलिए आस्य वरस्यता अलग है। अश्रद्धा जो है, अश्रद्धा का मतलब है खाना खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ह्रस्व स्रोतस पूरी तरह से दुष्ट है। और जो आम है, आम मतलब आहार रस में जो आम है वह मिला है, वो पेट भरा भरा है, अग्निमंद है, इसलिए अश्रद्धा अलग चीज है, अरुचि अलग चीज है, आस्य वरस्यता अलग है, और अरसज्ञता कोई भी खाने का टेस्ट ही नहीं आना, टेस्ट बड्स पूरी तरह से विकृत हो जाना, ये सारा चीज रस मतलब जैसे कि आपने समोसा खाया तो वह मिर्ची खाया तो भी आपको तीखा नहीं लगेगा, उसके बाद में आपने समोसा खाया तो उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, जलेबी खाया, मिठाई खाया, पकोड़े खाए, कोई टेस्ट ही नहीं आना, उसको बोलते हैं अरसज्ञता। अरोचक में तो रुचि ही नहीं होती है, उसमें टेस्ट आ रहा होता है लेकिन खाने का मन नहीं करता। अश्रद्धा में तो खाना देखते ही कैसे तो अजीब हो जाता है, खाने से एकदम दूर, यह अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग मतलब ये सारे ह्रस्व स्रोतस की दृष्टि से है और जीभ से रिलेटेड है, अलग अलग चीजें रहती हैं, लेकिन जितना ग्रेड में हम लोग देखेंगे उतना समझ जाती है। और ये सारा क्वालिटेटिवली हम लोग देख सकते हैं, क्वांटिटिवली नहीं देख सकते कि कितना हो गया, कितना परसेंट में, क्वालिटेटिवली मतलब सब्जेक्टिव पैरामीटर से हमें पता चलता है। और क्या होता है कि ह्रस्व स्रोतस की दृष्टि में हुरलास होता है, मतलब नौशिया फीलिंग होता है, कुछ खाया पिया नहीं है तब भी हमेशा ऐसे जी मिचलाता रहता है। फिर गौरवम पूरा शरीर में भारी भारी रहते हैं, क्योंकि आहार रस सारे स्त्रोतस में फैला हुआ है, शाखागत हो गया है, तो पूरा बॉडी में कैसे होता है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति होती है। ह्रस्व स्त्रोतस का जितना भी रास्ता है, गंगा नदी अगर गंगोत्री से निकल के वहां पर जा रही, बांग्लादेश में जाके समुद्र में मिल रही है, तो ये जितना गंगा नदी का रास्ता है वो रूट पूरा दूषित अगर हो गया है तो पूरा गंगा नदी खराब हो जाएंगी, मतलब वो दुष्टि हो जाएगी। तो इसी तरह से ह्रस्व स्रोतस का जितना चैनल है पूरा शरीर में, जहां जहां रस धातु जा रहा है, उसका परिमर्मण हो रहा है, वहां वहां पर स्त्रोतोरोध हो रहा है, आम की वजह से आहार रस खराब है, वो ह्रस्व स्रोतस को खराब कर रहा है, इसीलिए पूरा शरीर में गुरुता हो जाती है, बहुत हैवीनेस आ जाता है। फिर तंद्रा होती है मतलब ड्राउजीनेस बहुत फीलिंग होती है, उसमें नींद नहीं आती है लेकिन सारे इंद्रिया जो रहती है वो अपना काम नहीं कर पा रही है, बहुत ज्यादा ना आलस्य आता है और बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, और नींद आने जैसा होता है लेकिन असली में नींद नहीं आता। फिर अंग मर्द होता है, पूरा बॉडी में बॉडी एक होने लगता है। ज्वरः तमः, ह्रस्व स्रोतस की दृष्टि होगी तो ज्वर जरूर आता है। पांडुत्वम स्रोतसाम रोधः, मतलब जब रस धातु अच्छा नहीं बनेगा तो खून की कमी होने लगेगी, रक्त धातु भी नहीं बनेगा तो पांडुता, शरीर का जो चेहरा का रंग है वह मेच काभम मतलब जिस तरह से मेंढक का कलर होता है उस तरह का पांडुता आ जाएगा, मतलब शरीर का जो ओज है, तेज है, वो कम हो जाएगा। यह पांडुत्वम स्रोतसाम रोधः, स्रोतसों का अवरोध हो जाएगा, क्योंकि रसवह स्रोतस पहला अगर स्रोतस दुष्ट है तो उससे रक्तवह स्रोतस मांसवा मेदोवा अस्थिवा मज्जावा शुक्रवा सारे स्रोतस दुष्ट हो जाएंगे। और रसवह स्रोतस की दृष्टि से, रस धातु की दृष्टि से इनफर्टिलिटी तक, स्त्री रोगों का भी उत्पत्ति हो जाता है, इनफर्टिलिटी तक जाता है, और सारे स्रोतस दुष्ट होते हैं, शुक्रवह स्रोतस भी दुष्ट होता है। मेल इनफर्टिलिटी क्यों होगा, शुक्रवह स्रोतस, तो उसका मेन कारण बहुत बार रसवह स्रोतस की दुष्टि होती है। और दूसरा स्त्रियों में भी आर्तवह स्रोतस की दुष्टि हो रही है, स्तन्यवह स्रोतस की दुष्टि हो रही है, उसका कारण रसवह स्रोतस की दुष्टि ही बताया है। इसीलिए रसवह स्रोतस यह शुद्ध रहना बहुत जरूरी है,
दूसरा क्लैबियम, क्लैबियम मतलब मैंने शुक्रवार स्त्रोतस का बताया, क्लिबता आती है, नपुंसकता आती है, मतलब सेक्सुअली वो वीक हो जाता है या कर नहीं पाता या इच्छा नहीं होती है, ये सारी कंडीशन आते हैं। रसव, क्योंकि रस ही, रस धातु ही प्रीणन कार्य कर रहा है सभी धातुओं का, वह एकदम प्रीणन का मतलब है नरिशमेंट कर रहा है, वह चीज नहीं होगा तो क्लैबता आएगी। साधा मतलब पूरा शरीर में अवसादित, मतलब हर तरह से कुछ तो अजीब, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मानसिक अवसाद भी होगा, शारीरिक अवसाद भी होगा। कृशांगता, जब रसव स्त्रोतस ही अगर खराब है तो आगे के धातुओं को, अगर जैसे कोई खेत है, खेत में जो क्यारी है, जो जैसे हम लोगों ने ट्यूबवेल लगाया और वहां से पानी जा रहा है, तो पहला ही क्यारी में अगर ब्लॉकेज है तो पूरा खेत 1 एकड़ 100 एकड़ तक वो पानी जाएगा कैसे, क्योंकि ब्लॉकेज है। उसी तरह से जब रसव स्त्रोतस की दुष्टि है आम की वजह से, उससे फिर क्या होगा कि रक्तव स्त्रोतस तक नहीं जाएगा नरिशमेंट, रक्तवा नहीं जाएगा, मांसवा नहीं जाएगा, तो पूरा शरीर कृश हो जाएगा। कृशांगता नाशो अग्नि यथा अयथा कालम, मतलब अग्नि का नाश हो जाता है। रसव स्त्रोतस दुष्ट होगा तो रस की अग्नि भी विकृत है, उसका परिणाम ये होगा कि, दुष्परिणाम ये होगा कि जठराग्नि भी मंद हो जाती है। फिर अयथा काल, अब क्या है कि जो आम है वो इतना ज्यादा बन रहा है, इतना ज्यादा बन रहा है कि रस की अग्नि को भी विकृत कर रहा है और जठराग्नि मंद रहता है रसव स्त्रोतस की दृष्टि में। फिर अयथा कालम वलेह पलितानि च, बाल सफेद होना, बाल झड़ना, यह भी रसव स्त्रोतस की दुष्टि की वजह से होता है। तो इसीलिए रसव स्त्रोतस का दुष्टि, इसमें ये तो हमने सिम्टम देख लिया, साइंस एंड सिम्टम्स, कि अश्रद्धा च अरुचि च आस्यरसम अरसज्ञता हृदलासो गौरवम तंद्रा सांग मर्दो ज्वरस्क्लमः ज्वरस्तमः पांडुतम स्त्रोतसाम रोधो क्लैब्यम साधा कृशांगता नाशो अग्नि अयथा कलम वलेह पलितानि च। ये तो सारा साइंस एंड सिम्टम्स देखा, लेकिन इसका हेतु क्या है? कोई भी चीज व्याधि होती है तो उसका हेतु होता है, तो हेतु में ये बताया है कि चिंतानां मति चिंतनात्, मानसिक हेतु यही है कि जब मन में बहुत ज्यादा रज गुण बढ़ जाता है और तमो गुण बढ़ जाता है। रज गुण का मतलब क्या है कि अभी आप लोग देखेंगे कोई भी धर्म है, पहले हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के बाद में इस्लाम धर्म आया, तो इस्लाम धर्म ने कहा कि हम ग्रेट, हम सर्वश्रेष्ठ, हमारे आगे कोई नहीं, हमारा अल्लाह श्रेष्ठ। तो ये रजोगुण है कि हम ही श्रेष्ठ है, हम और दूसरे को दबाना है, खुद को आगे बढ़ाना है। फिर बाद में दूसरे और धर्म है वो बोले हम श्रेष्ठ। इसी तरह से ये पौराणिक कथा में भी लिखा है कि शैव और ये जो वैष्णव थे उनमें भी लड़ाई होता था, वो बोलते थे शिव सर्वश्रेष्ठ है, शिव जैसा कोई देवता नहीं है, और वैष्णव जो होते थे विष्णु भगवान के भक्त, वो बोलते थे कि विष्णु भगवान जैसा कोई ग्रेट नहीं है, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ये जो होते हैं ना कि हम मान प्रतिष्ठा अहंकार, ये सब क्या होता है? रजोगुण के वजह से होता है। रावण को जो अहंकार था कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं रावण हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये सब रजोगुण के वजह से होता है। खुद को ग्रेट, सुपेरियरिटी बनाना, और सामने वाले को इन्फेरियरिटी। तो ये जो रहता है ना, ये मानसिक जो आ रहा है अहंकार सभी लोगों में, ये बढ़ रहा है। थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो लोगों को लगता है कि हम ही गॉड है, हमारे जैसा कोई भी नहीं है, तो इसके वजह से भी बहुत। और इस जब वो पोजीशन में आ जाते हैं कि हम ग्रेट हैं, तो फिर क्या रहते हैं, उसको मेंटेन रखना, वो स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, कि बहुत सारे अच्छे बुरे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है बहुत ज्यादा। अगर अहंकार नहीं रखेंगे तो फिर रजोगुण भी नहीं आएगा, वो सोचेंगे कि हम तो अभी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब रजगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे, फिर इसीलिए मानसिक स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा तमोगुण रहता है कि हिंसा करना, मानसिक हिंसा, फिर बहुत ज्यादा निद्रा, वो सब तो शारीरिक रहते हैं, निद्रा वगैरह। तमोगुण में किसी को बुरा सोचना, बुरा कर्म करना, मन से, वचन से, कर्म से बुरा करना, तो इसके लिए ना, फिर इसने भी तमोगुण बढ़ता है तो क्रोध होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। क्रोध ऐसे तो रजोगुणात्मक रहता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वह माइंड को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, और फिर डिप्रेशन अंदर से आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये जो है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जितने भी मानसिक विकार हैं और मतलब धारणीय वेग है, इनको रोकना चाहिए। अगर रोकेंगे नहीं तो यह मन को डिफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं।
अगर ये शारीरिक रूप से कर रहे हैं और कम मात्रा में, तो ह्रस्व स्त्रोतस की दुष्टि हो रही है। लेकिन अगर मन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उन्माद और अपस्मर जैसी व्याधियां बताई हैं अपने ग्रंथों में। तो इसलिए ह्रस्व स्त्रोतस की दुष्टि में चिंत्याति चिंतनात्, बहुत ज्यादा चिंता में रहना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना। शेयर मार्केट में पैसा डाला हुआ है और वहां पे पैसा डूब गया, या पैसा कब रिकवरी होगा, ये जो चिंता रहती है, या फिर शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारी चिंता में इंसान रहता है हर चीज में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है लाइफ में, एम्स एंड एम्बिशंस बहुत रहते हैं। तो उसमें इंसान कभी कभी, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि 1,500 करोड़ के मालिक हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, बड़े बड़े शेयर ब्रोकर हैं, और लेकिन रात रात भर नींद नहीं आ रही है। तो क्या करते हैं कि स्लीपिंग पिल्स जो रहता है, डाइजेपैम वगैरह, वो खाना पड़ता है, तब नींद आती है। ये सब क्या है, चिंता दाती चिंतनत, ज्यादा चिंता करने से फिर नींद नहीं आती है, नींद नहीं आएगी, अग्निमंद होगा, और फिर उसके बाद में क्या होगा कि ह्रस्व स्त्रोतस की दुष्टि। और ये टिपिकली हमें दिखता है, आप लोग के भी पास प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं ह्रस्व स्त्रोतस की, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और इनफर्टिलिटी के केसेस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत साल तक डिप्रेशन में थे, शॉक में थे, बहुत ज्यादा क्रोध हो रहा था। मेरे पास कल एक पेशेंट आई थी, तो उनका 7 साल डिवोर्स केस चला, इतना डिवोर्स केस चला, और उनको हैवी मेंसेस, मतलब मेनोरेजिया जो बोलते हैं, मेटोरेजिया मेनोरेजिया, मतलब साइकिल भी आ रहा था जल्दी जल्दी, और ब्लीडिंग भी कंटिन्यू हो रहा था। सारा रसवा और रक्तवा और आर्तवा स्त्रोतस की दृष्टि दिखा, मतलब वलह पलितानि, बाल भी सफेद हो गए पूरा। और ये सच में जो है, होता है ना, 7 साल उन्होंने अपने पति को तड़पाया, 498 लगा दिया, जेल में डाला, उनके जो भी उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। तो वो अपने पति को जेल में डाली, उनके फैमिली वाले को जेल में डाली, फिर उन्होंने, उनके पति ने इन पे केस किया, इन्होंने उन पे केस किया, और वकील लोग तो ये लड़ाते पढ़ाते रहते हैं कि और पैसा। तो 7 साल केस चला, इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ कि सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे थे, निगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन मुझे पति को हराना है, पति से ज्यादा वाइफ को हराना है। फिर पति को जेल हुआ, उसका पैसा पूरा ले लिया, और मेंटेनेंस ले लिया, ये सब ले लिया। अब इस यो एक कोई युद्ध होता है, लड़ाई होता है, और 7 साल अगर चले, तो चिंत्याति चिंतनात, कितना दुष्टि होगा, और ह्रस्व स्त्रोतस की दुष्टि होगी। तो यह जाके आर्तव स्त्रोतस में दुष्टि हुआ, क्योंकि प्रीणन कार्य नहीं हो रहा है आर्तव स्त्रोतस का, तो एक तो बच्चे भी नहीं हुए उनको, और उसके बाद में एज भी अभी बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है कि उनको हैवी मेंसेस, बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। सबसे पहले मैंने यही बोला कि आपको स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा। आपका पर्सनल लाइफ में क्या हुआ वह मेरा कंसर्न नहीं है, मुझे आपको ठीक करना है। तो आप ना एक तो इग्नोर करिए, या वह चीज़ भूल जाइए, और दूसरा आपको, मैंने उनको जो रस पाचक ये सब जो दवाइयाँ दिया, यह सोच के दिया कि रस धातु में जो आम है उसको हमें पचाना है, रसगत आम को पचाना है, और जितना रस धातु पचेगा, मतलब आम पचेगा, उतना उनका प्रीणन मन का, शरीर का होगा, और हम ये व्याधि से निकाल देंगे। इसमें लोग व्याधि प्रतिनिधि दे सकते हैं, जैसे मैंने भी दिया बोलभद्र रस, पुष्यानक चूर्ण, नागकेशर चूर्ण, चंदन चूर्ण, ये सब दिया मैंने वह उस टाइम पे रोकने के लिए। लेकिन जब नाड़ी में देखा तो ह्रस्व स्त्रोतस की पूरी दुष्टि आ रही थी। अब इसी को बता रहे हैं कि ह्रस्व स्त्रोतस की दुष्टि का और भी रेफरेंसेस मिला है, उसमें ऐसे बता रहे हैं कि मात्रे अप्यवहृतम पथ्यम चान्यम न जीर्यति, मतलब अगर योग्य मात्रा में आहार नहीं लिया गया, जितना क्वांटिटी हमारे लिए जरूरी है उतना मात्रा में अगर आहार नहीं लिया गया, और फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा खा लिया, तो अन्नम न जीर्यति, खाना न जीर्यति, अन्न जो है वो पचता नहीं है। चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजाग रही, चिंता बहुत ज्यादा होती है, इससे ह्रस्व स्त्रोतस की दुष्टि होती है। शोक बहुत ज्यादा होते हैं तो ह्रस्व स्त्रोतस की दुष्टि होती है। भय रहता है, एंग्जाइटी, कल क्या हो जाएगा। अभी मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि आपके हस्बैंड पे आपने 498 लगाया था, नॉन वेलेबल वो जो है, वारंट इश्यू हो जाता है और जेल हो जाता है, उसमें पति को बोलने का हक नहीं मिलता है, तुरंत जेल हो जाता है। अगर किसी ने, किसी वाइफ ने ऐसा बोला ना कि मेरे पति ने मुझे मारा है, डाउरी हरेसमेंट किया है, होम वायलेंस किया है, तुरंत पुलिस जाके और पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। 498 इतना स्ट्रांग है, उसमें सास ससुर ननद ये सबको भी जेल हो जाता है, जो भी उस घर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इतना इंडियन लॉज ने इतना प्रोटेक्शन दिया स्त्री को। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपके हस्बैंड को
उनका क्या हो रहा था, मतलब आपके हिसाब से क्या? उन्होंने कहा कि उनको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होता था, डरते थे वो हर समय कि मुझे मेरा सारा प्रॉपर्टी चला जाएगा, मेरी वाइफ ले लेगी। बस मैंने इनसे व्यू लिया, बाकी मुझे उनका पर्सनल मैटर में नहीं पड़ना। तो ये जो भय होता है कि कल क्या हो जाएगा, मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, मैंने इतने मेहनत से सब किया है, ये जो भय होता है इससे भी रस व स्त्रोतस की दृष्टि होती है। फिर क्रोध करना, क्रोधात पित्तम, मतलब क्रोध से पित्त की दृष्टि होती है और रजोगुण के वजह से क्रोध आता है किसी पे। उन मैंने उनसे देखा ना, तो उनकी जो पेशेंट थी उनका बहुत ज्यादा क्रोध था अपने हस्बैंड से, क्या क्रोध था वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अहंकार की वजह से कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे इतना ये किया, अब मैं उसको बताऊंगी। और इसी पे बात बात पे क्रोध, 7 साल अगर कोई क्रोध में रहे और डिवोर्स केस चले तो कितना उसका रस्व स्त्रोतस की दृष्टि होगा और उसका परिणाम कितना बॉडी में, मतलब डिफेक्टिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव कितना हुआ होगा। तो इसीलिए, और दुख शैया, अगर बेड जो है वो अगर अच्छे से नहीं है, दुख शैया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब भी कोई ट्रेन जाती है तो आप लोग ना जनरल बोगी में जाके देखिए, जनरल बोगी में लोग कैसे भी सो रहे हैं, बैठे टेढ़े मेढ़े बैठ के, नीचे बोगी में कहीं ऊपर, जनरल बोगी तो दुख शैया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और या फिर प्रजाग्रही, लोग ना या तो अपना माइंड को ऐसा बना दिया है कि रात भर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस पे बिजी रहे, जागरण करते हैं, या किसी ना किसी वजह से अगर चिंता बहुत ज्यादा रहती है तो रात भर नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा शोक में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं कि इंसान अच्छा रहता है, सही रहता है उस टाइम पे, लेकिन कुछ आसपास के लोग या बाहरी लोग इतना ज्यादा उसको डिस्टर्ब करते हैं कि डिप्रेशन आता है कि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, मेरे साथ ये लोग कुछ कैसे बुरा कर रहे हैं, तो ऐसा शोक हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है। चिंता जब होता है, क्यों होता है चिंता, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। फिर उसके बाद में भय कब होता है, कि किसी चीज से डर लगता है कि अब ये नुकसान हो जाएगा, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि डरने वाली कोई भी बात नहीं होती है, आत्मा अजर अमर है। और हमें तो कोशिश करना चाहिए, कृष्ण भगवान ने क्या सिखाया है कि स्वधर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करो। अब ये युद्ध का मतलब ये नहीं कि जीत होगी या हार होगी कि जीत होगी, भगवान को समर्पित करके सारे कर्म करो और उसके बाद में हो सकता है कि हम मेहनत करेंगे तो अच्छा जाएंगे। इसलिए भय में रहना ये भी रस्व स्त्रोतस की दृष्टि का कारण है। फिर क्रोध करना, फिर उसके बाद में दुख शैया और जागरण, ये सारे रस्व स्त्रोतस की दृष्टि के कारण है। और रस धातु जो है वो पोषण करने वाला धातु है, प्रेरणन कार्य करता है। ऊपर से हम लोग देखेंगे कि आहार अगर गलत उल्टा पुल्टा खाया गया तो इसके वजह से मनोविकार भी होते हैं, मतलब तप्त मन, संतप्त मन, शुद्ध मन, संशुद्ध मन, उन्मादित मन, ये जो रहते हैं, या फिर अवसादित मन, दीन मन, विषादित मन, बहुत सारे ये कंडीशन रहते हैं कि मन दुखी रहता है। मन क्या है कि मन दुखी रहेगा तो कोई काम भी नहीं होगा, जो वर्क की एफिशिएंसी है वह विकृत हो जाएगा। उसी तरह से बता रहे हैं कि क्रोध शोक श्रम कृता शरीर रोषमा शिरोगता पित्तम च केशयान पचती पलितम तेन जायते। अगर बहुत ज्यादा क्रोध किया, शोक में रहे, भय में रहे, तो पित्त दुष्टि हो जाएगा, पित्त की उष्णता तीक्ष्णता अम्लता ये बढ़ जाएगी, और यह फिर क्या करेगा कि बालों के तरफ जाएगा, जो भी दूषित पित्त है, पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध है, पित्त जो दूषित है वह क्या करेगा कि रक्त में मिश्रित हो जाएगा और वह खराब जो रक्त है वह जाएगा और फिर क्या करेगा, पित्तम च केशान पचती, पित्त जो है वो बालों में जाएगा और वहां पे मतलब वहां पे ऐसी क्रिया करेगा कि पलितम तेन, बाल सफेद होने लगेंगे, बाल गिरने लगेंगे, ये सारे कंडीशन हो जाते हैं। और क्योंकि उष्मा जो है, पित्त की उष्मा है, उष्णता तीक्ष्णता और उष्मा, वो जाके शिरोगत हो जाते हैं और वहां पर बालों को पकाने, जो हेयर रूट्स रहते हैं ना, उन पे विकृति आने लगती है और बाल सफेद होने लगते हैं। इसी तरह से जितना तनावग्रस्त रहेगा इंसान, उतना ही अपाचित अन्न जो है उससे आम की उत्पत्ति होगी और रस्व स्त्रोतस की दुष्टि होगी। जितना चिंता में रहेगा, जितना स्ट्रेस में रहेगा, हम लोग का जो केस पेपर है ना, जो मैंने अपने ग्रुप में डाला है, उसमें देखिएगा एक कॉलम बनाया है कि मानसिक जो भी कंडीशंस हुए उसका ये व्याधि पे क्या परिणाम हुआ है, तो उसमें ग्रेडेशन दिया है। जैसे कि आपको ये बीमारी होने के पहले बहुत दिन तक स्ट्रेस में थे क्या, क्रोध में थे क्या, तो पेशेंट बताते हैं कि हाँ हमें 1 साल से स्ट्रेस में थे, 1 साल से पढ़ाई का टेंशन था, जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब का था, बिजनेस में लॉस हो रहा था, ये सब बताते हैं, तो उसका ग्रेडेशन देते हैं कि कितना था, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे टिक किया जाता है। और उसका फिर हम संप्राप्ति में बनाते हैं, संप्राप्ति में कि मन का क्या इफेक्ट हुआ, मिथ्या हार विहार तो क्या है, लेकिन मन कितना इन्वॉल्व है,
उसी तरह से उसमें हम ले देखते हैं कि घर का वातावरण कैसा है, घर में संशयी संशय करने वाले लोग हैं कि सपोर्टिव हैं, और घर परिवार कैसा है, सब वो सब हम टिक करते हैं। क्योंकि मन अगर दुष्ट रहेगा तो उससे मन खराब रहेगा, मन में स्ट्रेस बहुत रहेगा, तो अपने बॉडी की क्रियाएं हैं वह खराब हो जाएंगी। इसी तरह से और आम कैसे बनता है, आम की उत्पत्ति क्या बताए, तो उष्मणो अल्पबलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्ट आमाशय गतम रसम आमम प्रचक्षते। मतलब अग्नि जब अल्पबल की होती है तो जो धातु बनता है, मतलब आहार रस जो बनता है, वो अपाचित बनता है, और यह आमाशय में जाके फिर उसके बाद में जो रस धातु है, आहार रस जो है, वो आम उत्पत्ति को जठराग्नि को मंद करता है। मेंटल फैक्टर्स से अग्नि मंद हो जाती है और उसके वजह से आमाशय जो है वहाँ पे जो अग्नि है पाचिक अग्नि वो विकृत हो जाती है, और आम आम मतलब अपाचित जो धातु आहार रस है वो बनता है, और ये विषवत होता है, जहर की तरह आम विष होता है। तो इसीलिए अति चिंता अति विचार, एक ही बात को बार बार सोचना, कभी कभी क्या होता है कि हम ना किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उसने एक शब्द बोल दिया ना, तो सुबह से शाम तक इंसान एक हफ्ता तक वही सोचते रहता है कि उसने मुझे ये बात बोला क्यों, ये बात बोला क्यों, हम तो उसके साथ फेथफुल थे, उसने ये बात बोला क्यों, सामने वाला बोल के भूल भी गया। लेकिन तो अति विचार करना कोई भी चीज का, या फिर लोग आजकल क्या ये बढ़ रहे हैं कि हमने एक मैसेज किया गुड मॉर्निंग, और सामने वाले ने देखा लास्ट सीन दिख रहा है, उसने सीन देखा है लेकिन उसने रिप्लाई, तो इससे क्या होता है, एंग्जाइटी होता है कि उसने हमारे बारे में क्या सोचा, उसने रिप्लाई नहीं किया, अच्छा उसने रिप्लाई नहीं किया। तो ये जो व्हाट्सअप है ना, ये बहुत बेकार चीज आ गया है, मतलब इसका अच्छा भी चीज है, लेकिन इसके वजह से क्या हो रहा है कि अति विचार इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है कि उसने क्या सोचा होगा। कभी कभी फोन आने से क्या होता है कि सामने वाला गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वॉशरूम में बैठा है, खाना खा रहा है, क्या कर रहा है, ये हम नहीं सोचते। हम फोन करते हैं तो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारा फोन उठाएगा ही उठाएगा, हम 20 बार फोन करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते वो क्या कर रहा है। हो सकता है कि वह उस अवस्था में ना हो कि हमसे बात कर पाए, कुछ मीटिंग में होगा या कुछ गाड़ी चला रहा होगा, लेकिन हमारे मन में होता है कि हम विचार करते हैं, अच्छा उसने हमारा फोन नहीं उठाया, उसको तो हम बताएंगे, क्योंकि रजगुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये अति विचार करना, इससे भी रसवत स्रोतस की दुष्टि होती है, क्रोध करना, मोह बहुत ज्यादा रहना, किसी भी चीज में अटैचमेंट बहुत ज्यादा होना, तो वह मोह उत्पन्न करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ नहीं आता, तो किसी भी चीज में अटैचमेंट होना, तो इसके वजह से भी रसवत स्रोतस का दुष्टि होता है, और इससे प्राकृत रस जो रहता है उसका कार्य बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से अंग गुरुता निरुत्साह अजीर्ण आदि लक्षण हो जाते हैं, और अजीर्ण में तो आमाजीर्ण, फिर विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण, रसशेषा जीर्ण, ये बताया ही है। और इसी के वजह से आम जब बढ़ता है तो स्त्रोतोरोध जन संप्राप्ति क्या होती है, तो बताएं स्त्रोतोरोध बल भ्रंश, बल का भ्रंश होता है, शरीर का जो स्ट्रेंथ है वह कम हो जाता है। फिर गौरवा अनिल मूढ़ता, शरीर में गुरुता आती है, अनिल मूढ़ता, जो शैतान बच्चा को आपने एक रूम में बंद कर दिया, अनिल जो है वायु जो है उसको मूढ़ रूप में ये हो जाता है, वायु का भी संचरण नहीं होता क्योंकि आम ने स्रोतस को अवरुद्ध कर दिया है। आलस्यापक्ति निष्ठिव, मतलब आलस्य बहुत आता है, फिर पक्ति जो रहता है अपक्ति, मतलब खाना पिया पचता नहीं है, फिर निष्ठिव बहुत ज्यादा थुक थुकी आता है, फिर मल संग मतलब मल अच्छे से नहीं निकल पाता। बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं ना शेयर मार्केट में, या जहाँ पे स्ट्रेसफुल लाइफ है, उन लोगों को ना कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, जितना स्ट्रेस लेंगे उतना कोष्ठबद्धता बहुत ज्यादा होगी। अरुचि क्लमः, अरुचि बहुत ज्यादा बढ़ता है, और क्लम मानसिक और शारीरिक थकावट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये स्त्रोतोरोध के वजह से होता है। ये सब बताने का उद्देश्य क्या है, ये सब बताने का उद्देश्य यही है कि आप अपने पेशेंट को काउंसलिंग करिए कि एक तो व्याधि क्यों हुआ, यह आपको हेतु निकालना है, हेतु निकालने के साथ में आपको उनको समझाना है कि आपको ये स्ट्रेस से निकलना है। अगर आप प्रसन्नात्मेंद्रिय मन रखेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। हम तो शरीर की चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन मन की चिकित्सा, सत्वावजय आश्वासन चिकित्सा देना भी जरूरी है। और हम हमारे सर ऐसा बताते हैं कि कोई भी चिकित्सा शुरू करते हैं तो आप ना जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली दवाई दीजिए, आम का पचन करने वाला दीपन पाचन द्रव्य दीजिए, और रस पाचक दीजिए, दीपन पाचन अनुलोमन, और कोई भी धातु पे काम करना है तो पटोल इंद्र कुटकी रस पाचक जो बताया है उससे अगर करेंगे तो आगे उत्तरोत्तर जो धातु है वह अच्छे से बनने लगेंगे। इसलिए रस पाचक से हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 7 दिन रस पाचक दें, फिर रक्त पाचक दें 7 दिन, फिर मांस पाचक दें, इस तरह से भी करेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े व्याधियां, कैंसर, एड्स
और बड़े बड़े जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो सारे व्याधियों का इस तरह से अगर चिकित्सा करें, पाचक से भी हम लोग करेंगे ना, तो अच्छा रस धातु बनेगा, तो उससे आगे बड़ी बड़ी व्याधियां भी ठीक हो जाती हैं। और इसीलिए अभ्यंतर चिकित्सा में जब हम रस पाचक देते हैं तो हम लोग जटामांसी घृत देते हैं, वह भी रस धातु पे अच्छा काम करता है। घृत कल्पना तो बहुत अच्छी कल्पना है जो रस धातु को अच्छा करता है, तो और मन पे भी अच्छा काम करता सॉरी, तो मन पे मतलब मानसिक तनाव और रसव स्रोतस की दुष्टि, इन दोनों पे काम करने वाली कौन सी कॉमन दवाई है उनका उल्लेख मैं आप लोगों को करता हूँ। तो जटामांसी घृत है वो मन पे भी काम करता है, मानसिक तनाव को भी कम करता है और रसव स्रोतस की दुष्टि को ठीक कर देता है। इसलिए जटामांसी घृत है, कल्याणक घृत है, शतावरी घृत है, फिर सारस्वत अरिष्ट है, ये मानसिक तनाव स्ट्रेस को कम करता है। अश्वगंधा अरिष्ट है, अश्वगंधा अरिष्ट लेने से नींद अच्छी आती है। उसी तरह से प्राणायाम करना यह बहुत अच्छा काम रहता है, स्ट्रेस को कम करता है। फिर योगासन करना, सूर्य नमस्कार करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वॉकिंग करना, ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना। जितना अध्ययन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, कोई भी अपने ग्रंथों का, आयुर्वेद का पढ़े या अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का करे, लेकिन जितना अध्ययन करते हैं ना उतना माइंड का ब्रिहण होता है, माइंड में इतने अच्छे विचार आते हैं, माइंड अपना काम करता है, तो उसकी वजह से कोई व्याधि नहीं होती है। इसलिए ब्रिहण करना माइंड का, माइंड का ब्रिहण कैसे होगा, जब अच्छे विचार दिमाग में जाएंगे, तो गंदे विचार जाएंगे तो मानसिक विकृति और बढ़ेगी और मन निगेटिविटी के पास जाएगा। पॉजिटिविटी लानी है तो अपने किताब वगैरह ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो ध्यान भी करना, किसी ईश्वर में ध्यान करना, कोई भी चीज में ध्यान धारणा समाधि, यह भी मानसिक तनाव को कम करता है, रसव स्रोतस की दुष्टि को ठीक करता है। दूसरा है कि हास्य चिकित्सा, आप लोगों ने देखा होगा लाफिंग क्लब है, उससे मानसिक तनाव ठीक होता है और जितना हंसते हैं लोग, भले कोई भी कारण हो या ना कारण हो, जितना हंसेंगे उतना रसव स्रोतस स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। और क्योंकि रसव स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है। एलोपैथी साइंस में बोलता है कि जितना हम लोग हंसते हैं उतना डोपामाइन सिक्रेट होता है, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं, डोपामाइन, सेरेटोनिन, एड्रीनालिन, ये सब सिक्रेट होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हार्ट का फंक्शन अच्छा होता है। और आयुर्वेद भी मानता है कि रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम दस्य धमन्या, ये बताए, तो हृदय मूलम हार्ट की बीमारी में ठीक होना है, रसव स्रोतस ठीक रखना है, तो मानसिक तनाव को कम करना जरूरी होता है। इसी तरह से पंचकर्म में हम नस्य दे सकते हैं, मानसिक तनाव कम होता है, शिरोधारा कर सकते हैं, पादाभ्यंग करना, सर्वांग अभ्यंग करना, शिरोधारा करना, शिरोधारा करना, और या फिर म्यूजिक थेरेपी, ये सारी चीजें है ना, इन सब से क्या होता है, या फिर कॉमेडिक सर्कस देखना, लोगों से बात करना, जो पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं उनसे बात करना, डिस्कस करना, कोई भी, या घूमने जाना, मतलब अच्छे जगह पे जाइए, हिली एरिया में जाइए या फिर टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, ये सब क्या होता है, मानसिक तनाव को कम कर देता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि काम करते हैं 1 महीना 2 महीना और उसके बाद में फिर वो केरला में चले जाते हैं बैक वाटर्स, उससे क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका बीपी बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगा। इसलिए स्ट्रेस लेवल कम करना ही रस हृदय के लिए रसव स्रोतस की दुष्टि को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है। तो इस तरह से मैंने अपना कोशिश किया। अब इसका इम्प्लीमेशन, मैं केवल लेक्चर लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस सुने और किताब बंद करके लेक्चर बंद करके बैठ जाए। इसका इम्प्लीकेशन आप लोग को करना है अपने प्रैक्टिस में, इससे आप लोगों का प्रैक्टिस और बढ़ेगा। मैं नए नए चीज लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि आपका प्रैक्टिस बढ़े, तो आप लोग को मालूम है, लेकिन ये बार बार जब हम लोग चर्चा करते हैं ना तो हमें और नए आइडियाज आते हैं कि अच्छा हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो अभी मैं ना अपना लेक्चर बंद करता हूँ, आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप यहाँ पे पूछिए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजेंद्र दीक्षित जी बोले हैं सर शानदार लुक, थैंक यू थैंक यू, डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा हैंग होता है जब मैं कोई भी लेक्चर ले लेता हूँ ना, तो मेरा ये जो फेसबुक लाइव है ना ये थोड़ा हैंग हो जाता है। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि सर आफ्टर डिलीवरी कुछ वुमेन्स को रस व स्रोतस के लक्षण दिखते हैं। 100% डिलीवरी होने के बाद बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे को, और बच्चा ना रात को कभी 2 बजे उठेगा, कभी 3 बजे रोएगा, फिर दूध पिलाना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती है माता की,
आहार निद्रा ब्रह्मचर्य बोला है, तो नींद पूरी नहीं होगी तो उसके वजह से खाना पचेगा नहीं, रात्रि जागरण होगा। और इसमें बताया है कि दुख शय्या पर जागरही, जागरण होना इसकी वजह से ह्रस्व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण मिलते हैं। आपके बात सही है। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं सर हाइपोथायरायडिज्म और डायबिटीज में ह्रस्व स्रोतस की दुष्टि के कुछ लक्षण दिखते हैं। तो ये जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, थायराइड का बढ़ना, हाइपो होना, हाइपर होना, डायबिटीज में इंसुलिन का सिक्रीशन कम ज्यादा होना, ये सब ह्रस्व स्रोतस की दुष्टि की वजह से ही होता है। क्योंकि इसमें भी और थायराइडिज्म में आप देखेंगे तो चिंता करना यह हेतु रहता ही है। डायबिटीज स्ट्रेस के वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसमें भी स्ट्रेस ही कारण है, यह रस दुष्टि का ही रहता है। इसलिए हम लोग रस पाचक जैसे द्रव्य देते हैं, रक्त रक्त पाचक देते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी, डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोल रही हैं कि रस्व स्रोतस की दुष्टि में कौन सा रसायन दे। पहला तो रसायन यही है कि रस पाचक जैसे द्रव्य देके हम अग्नि को ठीक करें, और दूसरा रस्व और मन मनोवा स्रोतक, इनका बहुत ज्यादा संबंध है। इसलिए मैंने बताया कि जटामांसी घृत है, कल्याणक घृत है, शतावरी घृत है, और दूसरा बताया कि क्षीर घृताभ्यम रसायनानम श्रेष्ठ, मतलब क्षीर और घृत दूध और घी का सेवन अगर करा दिया जाए रसायन में श्रेष्ठ है। दूसरा आपको करना है तो ब्रह्म रसायन है, आमलकी रसायन है, त्रिफला रसायन है, च्यवन प्राश अवलेह है, यह रस्व स्रोतस की दुष्टि में जो है ना। सबसे पहले तो हमें क्या होता है, रस्व स्रोतस की दुष्टि के लक्षण में क्या है, अश्रद्धा अरुचि आस्य वैरस्य अरसज्ञता, तो उसको ठीक करना है तो दीपन पाचन द्रव्य जो रहते हैं, लवण भास्कर चूर्ण है, फिर झंडू पंचारिष्ट है, द्राक्षा सव है, द्राक्षारिष्ट है, दीपन पाचन द्रव्य दे दुष्टि को ठीक करे। फिर रस्व स्रोतस को बल देने वाले तर्पण दे, शरबत दे बहुत सारा, और फिर उसके बाद में और भी जैसे क्लेब्यता आ गई है, पांडुता आ गई है, ये सारे सिम्टम्स है। क्लेब्यता को ठीक करने के लिए हमें शुक्र बढ़ाने वाले द्रव्य देना है, कपी कच्चू का बीज, मूसली का बीज, मूसली का जड़, ये सब का, या मूसली पाक, अश्वगंधा, ये सब देना है। जो जो सिम्टम आएंगे उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट की योजना करनी चाहिए। अगर बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, या बाल सफेद हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि केश पे काम करना है। रस्व स्रोतस को एक तरह से ठीक किया और वो व्याधि प्रतिरिक्त दवाई उस तरह से देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीत गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये देखिए चिराग त्यागी जी ने बोला है कि चिंता ऐसी डाकनी बैठ कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। बहुत बढ़िया, ये कि इन्होंने दोहा बोला है, बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं रक्त पाचक कितने दिन दे सकते, जब तक वो दुष्टि है, अश्रद्धा, अरसज्ञता, आसवरस्यता, पांडुता, कृशांगता, ये सारे सिम्टम तब तक है, जब तक है तब तक आप दीजिए रस पाचक। डॉक्टर विन्यासा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज बोल रहे हैं कि वन पेशेंट केम विद फीवर ऑफ फीवर 2 मंथ्स बैक, नाउ कमिंग इंसोमनिया टेकन ऑल एलोपैथिक मेडिसिन फॉर डिप्रेशन एंग्जाइटी बट नो रिलीफ प्लीज गेट। मैं अभी यही तो कहानी बता रहा हूँ, फीवर है तो मतलब रस्व स्रोतस की दुष्टि है, तो इसमें आपको रस पाचक दीजिए। दूसरा त्रिभुवन कीर्ति रस जैसे दवाइयां हैं वो आम को पचन करते हैं, फीवर को ठीक करते हैं और स्वेदवा स्रोतस को खोल देते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए, महाजोरांकुश रस दीजिए, महासुदर्शन घनवटी दीजिए, अमृता रस दीजिए, ये सब दीजिए। और इनसोमनिया जो है तो मात्स्यादि कषाय दीजिए, तग्रादि कषाय दीजिए, नस्य दीजिए शेरबला तिल का, शिरोधारा करिए, तो इससे डिप्रेशन एंग्जाइटी, और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है तो मानस मित्र कुटिका दीजिए, फिर ब्राह्मी वटी दीजिए, महाकल्याणक दीजिए। पहले दीपन पाचन, पहले ज्वर को निकालना है तो आम का पचन करके, और साथ में फिर जब अग्नि अच्छे होने लगे तब बाकी द्रव्यों को दीजिए जो मन पे काम करती है और रस्व स्रोतस पे काम करती है, तो अपने आप वो डिप्रेशन भी जाएगा, एंग्जाइटी भी जाएगा। अपना जो चिकित्सा कर रहे हैं वह चिकित्सा को थोड़ा इम्प्रोवाइज करिए, कुछ अपने आप को देखिए, रिव्यू करिए कि हमारी चिकित्सा कहाँ गड़बड़ा रही है, तो उसको आप करेंगे ना तो जरूर रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्टर देवांशु जी बोले हैं रस्व स्रोत दृष्टि में बाल रोगाधिकार उक्त रजन्यादि योग का प्रयोग कर सकते हैं क्या। 100% कर सकते हैं, आप करिए। छोटे बच्चों के लिए कुछ अलग दवाएं बताइए, बड़ों के लिए कुछ अलग बताइए, तो आप करिए। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर सुमित घोष जी बोल रहे हैं कि अमेनोरिया का मैनेजमेंट थोड़ा बोल दीजिए। अमेनोरिया है तो क्यों है अमेनोरिया, अब उसमें प्राइमरी अमेनोरिया होता है, फिर सेकेंडरी अमेनोरिया होता है,
मेनोरिया है तो सबसे पहले यूपीटी कराना है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है कि वो प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो दीपन पाचन अनुलोमन देना है। उसके बाद में फिर क्या करना है, तो पॉसिबल है तो वमन करा दीजिए, विरेचन करा दीजिए, नस्य रक्त मोक्षण, शरीर की शुद्धि करा दीजिए, तो अमेनोरिया ठीक हो सकता है। या फिर रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए। अगर रक्त की कमी की वजह से अमेनोरिया हो रहा है, मतलब रक्त और रस की क्षय है और उसके वजह से आर्तव नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें रस और रक्त को ठीक करना है। तो उसमें हमें क्या करना है, पुष्प धन रस, फिर ताप्यादि लो, नवायस लो, फलघृत के साथ देना है, या कुमारी ऐसा अशोक ऋषि इनके साथ देना है। तो रक्त धातु को हमें बढ़ाना है, बहुत बढ़िया काम होता है। इस तरह से अमेनोरिया का मूल बेसिक पे करना है, नहीं तो अमेनोरिया हुआ, मेंसेस नहीं आ रहे हैं और आप उनको दे देंगे रजत प्रवर्तिनी वटी, तो रजत प्रवर्तिनी वटी फोर्सफुली निकालेगा। अगर वहां होना तो चाहिए, किसको निकालेगा, आर्तव ही नहीं है और आप फोर्सफुली करें तो पित्त बढ़ता है रजत प्रवर्तिनी वटी से। इसीलिए अमेनोरिया का मैनेजमेंट यही है कि हमें दीपन पाचन अनुलोमन देना है और हमें स्रोतस की शुद्धि करनी है, रस धातु को अच्छा करना है, रक्त धातु को अच्छा करना है, तो अपने आप वो साइकिल अच्छा हो जाएगा और मेंसेस रेगुलर आने लगेंगे। आर्तव चक्र जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए, और स्ट्रेस भी है उसके वजह से अमेनोरिया भी होता है, चिंता दाती चिंतनात, उसके वजह से भी मेंसेस नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा जो आईटी सेक्टर में जो फीमेल्स काम करती हैं उनको क्या होता है, पीसीओडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है कि वो सहन नहीं होता, इतना ज्यादा वर्कलोड रहता है, टारगेट रहते हैं, उसके वजह से अमेनोरिया रहता है, फिर मेंसेस नहीं आते हैं तो वो पीसीओडी बन जाता है। स्त्रोत सारे दुष्ट होते हैं, आर्तव स्त्रोत, फिर वजन बढ़ता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। सारा आयुर्वेद बताया कि दिनचर्या का पालन करिए, ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और आयु की रक्षा करनी चाहिए, और शरीर चिंता निवृत्त शौच विधिस्तथा, शरीर की चिंता छोड़कर सबसे पहले शौच करना चाहिए। ये सारे जो नियम बताया है कि स्नान करना है, व्यायाम करना है और रात्र में सो जाना है टाइम पे, ये जो भी बताया है ना, दिनचर्या का फॉलो करें, सद्वृत्त का फॉलो करें, तो ये अमेनोरिया अपने आप ठीक हो जाता है। मतलब मानसिक कारण भी जो है वो उसको भी दूर करना है, शारीरिक भी ठीक करना है, तो ठीक हो जाता है। फिर त्रिविध कुक्षी अध्याय में बताया कि 3 भाग पेट का करना है और कितना भाग अन्न लेना है, कितना भाग द्रव लेना है, कितना भाग ऐसे ही छोड़ देना है, उस हिसाब से भी अगर करेंगे तो अच्छा आहार रस बनेगा और उसका फायदा अमेनोरिया में होगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हमें पेशेंट को जैसे कोई ये होता है ना, फील्डिंग करने के लिए हम लोग चारों ओर से घेरते हैं कि हर तरह से हमें रन बचाने, इसी तरह से अमेनोरिया एक जो सब्जेक्ट है उसके लिए हमें हर तरह से सोचना है और पूरा बॉडी को चेंज करना है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स विकृत हो रहे हैं उन सबको पूरी तरह से चेंज करना है, कायाकल्प करना है, तो एमनोरिया जड़ से ठीक हो जाता है। डॉक्टर बीरमती जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विवेक जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रिजवान जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जयदेव राघव, जयदेव सिंह जी राघव जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी बोल रहे हैं सर कोविड ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इन ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट। अब ये कोविड जो है ये अभी आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं ओमिक्रॉन करके एक नया वेरिएंट आया है, उसके वजह से अभी आया है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन लोगों को डर लग रहा है, अभी हमने वैक्सीन लिया है अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये एंग्जाइटी। और जो टीवी चैनल्स वाले ना, न्यूज़ चैनल वाले, उनका काम ही है कि न्यूज़ को बेचना है और लोगों को बहकावे में लाना है। जो लोग स्ट्रेस में नहीं है वो भी स्ट्रेस में हो रहे हैं, एंग्जाइटी में हो रहे हैं, डिप्रेशन में हो रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, इसलिए टीवी देखना बंद करिए, आप न्यूज़पेपर में देख लीजिए क्या हो रहा है, टीवी देखिए लेकिन दिल पे मत लीजिए कि हम अब ओमिक्रॉन से हो जाएंगे और हम बीमार होके मर जाएंगे या एडमिट होना पड़ेगा। अभी आया नहीं है, इंडिया में नहीं आया, जो आया है वो बैंगलोर साइड में एक दो केसेस मिले हैं, डरने की वाली बात नहीं है। आप जब भी ये सुमित जी बोल रहे हैं सर प्लीज रिपीट कीजिए, नोट कर रहा हूँ, अभी मैं रिपीट क्या करूँगा, मेरा अभी सेशन है। क्या होता है ना कि कोई भी चीज होता है ना, उसका भय उतना, वह उतना भयंकर नहीं होता जितना मनुष्य उसको भयंकर मान लेता है, यही कोरोना के टाइम पे यही हो रहा है, लोग उतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, अभी आएगा जाएगा वो अपना, अभी ये नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा वायरस आएगा, हमें स्ट्रेस में नहीं रहना है, आए तो आए, हमको उससे आगे बढ़ना है ये सोचना चाहिए, तो अभी हम लोग जीत पाएंगे और रसव स्त्रोतस को दुष्ट नहीं होने देना है, तभी हम लोग बढ़ सकते हैं। मैं अपना नंबर फोन नंबर दे देता हूँ, आप लोगों को कोई भी चीज़ है पूछना है तो आप लोग आइए और आप लोग का स्वागत है, हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है कि अभी इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें आप लोग अपने केसेस लेके आइए, जहाँ पर भारत के सबसे बड़े बड़े चिकित्सक लोग हैं आयुर्वेद के, वो सब आते हैं,
और हम लोग यही सब डिस्कस करते हैं कि कोई व्याधि हुआ उसमें कौन सा स्त्रोतस क्या हेतु, दुष्ट करने का हेतु का सेवन हुआ, उसके बाद में संप्राप्ति क्या बना, क्या मेडिसिन दिया गया, कोई सक्सेस स्टोरीज बताता है, कोई डाउट पूछता है, इतना मजा आता है। जो लोग अभी नए जुड़े हैं यहाँ पर फेसबुक पे, वो लोग वहाँ पे आज ये मैं फेसबुक का ये दे देता हूँ, फ्री इंटरेक्टिव सेशन जूम का आईडी देता हूँ, आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं बस आप लोगों से यही बात बोलूंगा कि कोई भी लाइफ में स्ट्रेस मत लीजिए, जो होगा सो अच्छा ही होगा, ये सोच के आगे बढ़ते रहिए। जो जितना मैं आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ, एक बार क्या हुआ कि दो आदमी थे, एक आदमी ना 7 साल से कोई व्याधि से पीड़ित था, कोई व्याधि से पीड़ित था 7 साल से, और एक आदमी जो था वो भगवान का भक्त था, तो वह ना जो भगवान का भक्त था उसको भी वो व्याधि हो गई, तो वह क्या बोला, उसको दुख हुआ कुछ, तो जैसे उसको फॉर एग्जाम्पल बुखार हुआ, तो बोला हे भगवान थैंक यू, आपने मुझे इतना कष्ट हुआ। फिर उसको दूसरा बीमारी हुआ, उसका स्किन खराब होने लगा, तब भी बोला हे भगवान थैंक यू मुझे ये हुआ। तो दूसरा आदमी आता है और वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, हर हर सिम्टम नया नया तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, व्याधि हो रहा है और तुम भगवान को थैंक यू बोल रहे हो। तो वो बोला कि मैं भगवान में ही समर्पित हूँ। तो ऐसा पाया गया कि वो 1.5 महीने में ठीक हो गया। तो फिर उसने जब ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, तब उसने ये बात बताया कि मैं भगवान पे समर्पित हूँ, तो मुझे कोई भी कष्ट होता है तो मैं बोलता हूँ हे भगवान थैंक यू, तो मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वह कम हो जाता है, और देखिए मैं 1.5 महीने में ही ठीक हो गया। और तुमको 7 साल क्यों लगे, क्योंकि व्याधि थोड़ा है लेकिन तुम 7 साल स्ट्रेस में रहे। विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठ, विषाद है रोग बढ़ाने में श्रेष्ठ होता है, तो इसलिए तुम स्ट्रेस में रहे, तुम 7 साल से इलाज करा रहे हो लेकिन तब भी तुम ठीक नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल। और यहाँ पर बताया चिंता दाती चिंतनात, जितना चिंता करते हैं, चिंता शोक भय क्रोध, ये जो बताया ग्रंथ में वह 100% सही है। इसलिए कोई भी चीज़ है, कोरोना है, ओमिक्रोन है, जीका वायरस है, या कोई भी घर में विपत्ति है, घबराना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के बारे में बताइए प्लीज। अभी ये आयुर्वेद का है प्लेटफॉर्म, मैं इस पे वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के बारे में अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मैं आपको सेशन में बताऊंगा, आप सेशन में आ जाइए तो वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते, आप सब लोग श्रेष्ठ हैं, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन अच्छा रहे, आप लोगों का तरक्की हो, यही शुभकामना देते हुए अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, प्रणाम।